नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा में अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत हुई चरितार्थ। रीवा के आयुर्वेद महाविद्यालय का प्राचार्य है बुंदा। दादागिरी के दम पर चला रहा चिकित्सालय, चिकित्सकों को छोड़कर अन्य स्टाफ भी करते हैं गुंडैया सैया भाई कोतवाल तो अब डर का हेका की तर्ज पर दीपक कुलश्रेष्ठ व इसका स्टाफ करवा रहा। आयुर्वेद चिकित्सालय में दादागिरी, अवैध वसूली और भर्रे शाही। जिस तरह सफेद कोट ने विंध्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल संजय गांधी की छवि को बट्टा लगाया है और जिस तरह संजय गांधी हॉस्पिटल का दूसरा नाम मौत का अस्पताल भी है, उसी तर्ज में रीवा आयुर्वेद हॉस्पिटल का डीन भी आयुर्वेद के नाम पर लगवा रहा धब्बल करवा रहा है। चोरी वसूली अवैध गतिविधियों का संचालन भी करवा रहा है। स्टाफ के मरीज रहते हैं पहले से सेट पैसा और कमीशन खोरी ने हाई चेक किया सारा सिस्टम। हम जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं वो सिस्टम को शर्मसार करने वाली है। देखिए किस तरह लूले लंगड़े बुजुर्ग अपाहिज गरीब लोगों को लूटा जा रहा है। आखिर क्या दीन ही चोर है या और बड़े चोर उड़ा रहे सिस्टम का मखौल? यह एक झुलांत मुद्दा है। फिलहाल सफेद पोशधारी व इनके सहयोगी कुछ नीली कोट वाले कुछ हरी कोट वालों ने मिलकर आयुर्वेद हॉस्पिटल रीवा को बना डाला है लूट का अड्डा। चल रही वसूली, कर्मचारी ली रहे लोगों की जिंदगी, पैसे लेकर की जाती है मालिश, थेरेपी की नाम पर परोसी जा रही मौत। दीन दीपक कुलश्रेष्ठ रहता है नदारद। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में संचालित आयुर्वेद हॉस्पिटल निपानिया में मरीजों के साथ हो रहा सरासर पक्षपात। पैसा दो जिंदगी बचाओ की तर्ज पर हो रही भर्रेशाही। पंचकर्म थेरेपी के नाम पर 650 रुपए की रसीद काटकर मरीजों को बनाया जा रहा बेवकूफ। नदारद मिले इंचार्ज कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं दिखा। आखिर कब सुधरेगा दीन दीपक कुलश्रेष्ठ का रवैया? लेडी डॉक्टर भी मशगूल थी व्हाट्सएप चलाने में। जी हाँ, स्टोव इंचार्ज लेडी डॉक्टर दिख तो रही थी पर वो व्हाट्सएप और अन्य फोन की मनोरंजक गतिविधियों में मशगूल रही है। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, सारे कर्मचारी व प्रबंधन भले ड्यूटी कर रहा था परंतु सभी का दिमाग हॉस्पिटल में नहीं कहीं अन्यत्र देख रहा था। आयुर्वेद हॉस्पिटल में नहीं माना जाता पेंशनर कार्ड। मध्य प्रदेश शासन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशनर कार्ड दिया जाता है जिसमें पेंशन की पर्ची मुफ्त में कटती है, लेकिन आयुर्वेद हॉस्पिटल में पर्ची काटने के लिए रखे गए हैं बाउंसर। जबरन छीना झपटे से ले लेते हैं पैसे, ना देने की स्थिति में बुजुर्गों से करते हैं बदतमीजी। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट।